हेलो एवरीवन, आई एम नेहा विद्वान। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डेली यूज में हम सेंटेंस बोलते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। अब यहाँ पे देखो, मैं थकी हुई हूँ, आई एम सो टायर्ड, प्लीज़ डोंट बग मी। अब पहले इसको समझते हैं, आई एम, मैं हूँ सो टायर्ड। टायर्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल इट मीन्स मैं पहले से ही थकी हुई, टायर्ड, क्लियर? तो यहाँ पे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें देखें, प्लीज़ डोंट बग मी। बग का मतलब क्या होता है? बग अगर एज अ नाउन यूज़ हुआ है तो बग का जो मतलब होता है वो कीट या कीड़ा भी आप उससे बोल सकते हो। और बग यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं ना, डोंट उसके बाद वर्ब लगाते हैं, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बग है, बग का मतलब होता है परेशान करना। तो प्लीज डोंट बग मी, मुझे परेशान मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझे पागल कर दोगे। जैसे बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, तो एक ही वर्ड निकलता है और वो क्या निकलता है, तुम तो ना मुझे, मेरा दिमाग इतना खराब करता है कि मैं पागल हो जाऊंगी, है ना। तो मुझे, तुम मुझे पागल कर दोगे, बिल्कुल पागल कर दोगे। तो जब आपकी ये सेंस आए ना कि आप गुस्से में ये वर्ड बोले कि भाई तुम मुझे पागल कर दोगे, या आप अपसेट हो जाओ या बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो जाओ, गुस्से में हो जाओ, तो तब आप बोलने वाले हो ड्राइव समवन क्रेजी। या आप क्रेजी की जगह नट्स का भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करेंगे, तुम मुझे पागल कर दोगे, यू विल ड्राइव मी क्रेजी, क्लियर यहाँ पे। और क्रेजी की जगह यहाँ पे आप नट्स भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, विल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, ड्राइव का। आप इसको आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज कर सकते हो। अगर आप बात कंटिन्यू में कर रहे हो, जैसे कंटिन्यूस में, जैसे कि कोई काम रहा है आप, है ना, कि तुम मुझे पागल कर रहे हो, है ना, या तुम मुझे पागल बना रहे हो, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी, क्लियर, इस तरह से भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्लियर। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। तो इस तरह से आप अपने जो डेली यूजेस के सेंटेंसेस है आप इसे बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।